हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A17 फ़ोन है, तो ओप्पो A17 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने ओप्पो फ़ोन को इरेज ऑल डाटा कैसे कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन का, और कैसे आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन का ऑल डाटा आप इरेज कैसे कर सकते हैं और कैसे फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को इरेज ऑल डाटा कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन का ऑल डाटा इरेज कर सकते हैं ओप्पो A17 फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको सर्च करना है इरेज ऑल डाटा। तो इरेज ऑल डाटा सेटिंग्स पे आप इस तरीके से जा सकते हैं, और इस पे जाकर जो भी आप फ़ोन का ऑल डाटा इरेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और फ़ोन को रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि गूगल अकाउंट, सिस्टम सेटिंग्स, डाउनलोड ऐप, म्यूजिक, वीडियो, अदर्स, डाटा एंड इंटरनल स्टोरेज को भी आप रीसेट कर सकते हैं, और इस पे टैप करते जो भी आपका फ़ोन है यहाँ से रीसेट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इस तरीके से भी आप फ़ोन को इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन को। और सिंपली आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी रीसेट कर सकते हैं फ़ोन को। सिंपली इसके लिए आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग्स पे, फिर आपको इस वाले ऑप्शंस पे जाना है जिस पे जाकर फ़ोन को इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट भी आप कर सकते हैं। इस पे टैप कर देंगे। टैप करते ही इसके ज़रिए फ़ोन आपका इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़ोन को इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।